अम्मी के अलावा मेरे मजाक को समझता ही नहीं है। ऑटोमेटिक तो दिक्कत से नहीं होती। दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है। चुप मोए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फाइजर डॉग व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है 27 रमजान है और अम्मी को इतकाफ में बैठे हुए आज तीसरा दिन है और इतना बोरिंग क्यों सुंदस है ना। ज़ारा से मजाक करो तो ज़ारा मुंह बना लेती है। अम्मी के अलावा मेरे मजाक को समझता ही नहीं है यार। अम्मी होती है घर में, एक शुगल होता है, मेला होता है, मस्ती करती हूँ, उनको तंग करती हूँ ना, उनकी आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हाँ, उनकी हल्की फुल्की खांसी की आवाज़ आती है बस इतनी आवाज़ आती है, इससे ज़्यादा आवाज़ उनकी नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ हम लोग अभी बाहर आए हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। रात को सुंदर ने गाड़ी खड़ी की थी उधर, अभी गाड़ी यहाँ पहुँची हुई है। मुझे लगता है ये जिसका घर है ना, वो अपनी गाड़ी हमेशा यहाँ खड़ी करती है। ये धक्के से हो जाती है, ऑटोमेटिक तो धक्के से नहीं होती। ये गड़बड़े बाबा। तो प्लान ये है कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट से, तो अभी इस्लामाबाद जा रही हूँ। उठती नहीं हूँ, सोई रहती हूँ, नहीं जा पाती। लेकिन कल रात से ना मेरे दांत में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अब सारे कहेंगे खाती बहुत हो। सुंदर ऐसे भी है जिस तरह मैं उसके सारे दांत निकलवाने लगी हूँ। नाइस क्लिनिक है ना। देखो क्लिनिक देख के तुम्हें वाइब नहीं आ रही होगी कि ये कोई डेंटल क्लिनिक है, है ना? ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा एम्बियंस होना चाहिए कि जब पेशेंट क्लिनिक में आए ना तो उसको क्लिनिक, उसको मरीज और हॉस्पिटल वाली वाइब ना आए। हाँ, तो जो रहमान मेडिकल सेंटर है ये सिर्फ और सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं है, ये एस्थेटिक क्लिनिक भी है। यहाँ पे मैं जैसे ही अंदर आई थी ना, इतनी खामोशी है कि आते ही मेरा दिल किया कि मैं सो जाऊँ। ये कितने मजे की इनकी देखो, पर्पल सारी, और मेरे ड्रेस के साथ मैच भी हो रही है। काफी साल पहले 2016 और 2017 में मेरा रूट कनाल हुआ था लेफ्ट साइड पे। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाएं और अभी वो मज़ीद चेक करेंगे और फिर पता लगेगा कि और क्या करवाना ज़रूरी है और ये पेन क्यों हो रहा है। चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, चाय का कमाल है ये, और मीठे का मीठा। सब देखे फायदा दार के तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा ना है। मेरा फोन क्या है, सब पे आती है, सबकी ऐसी दुखाती है, सब कराते हैं, सब इस तरह रश नहीं करता है भाई। जब दोस्तों को साथ लाया जाता है ना तो ये सब दस ये सब शर्मिंदा करते हैं, ठनमिंदा करते हैं। बोलना जरा, दोस्त क्या करते हैं? शट अप। मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने अभी अंदर से हालात देखे हैं दांत के, तो मैं शॉक हो गई हूँ कि ये क्या सीन है ब्रो। तो ये क्या, ये मैं बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ उसकी वजह से। एक तो चाय की वजह से भी स्टेन्स जो येलोइश स्टेन्स हैं इसके लिए, ठीक है, और जो अंदर थोड़ी सी येलोइश लेयर बनी हुई है, हम लोग ब्रश पकड़ते हैं। अच्छा, ये हम बताएं कि ब्रश किस तरीके से करना चाहिए। हाँ, लोगों को ये रगड़ना शुरू कर दिया दांतों पे, हमने कहा बड़े सॉफ्ट दांत हो रहे हैं, ये बिल्कुल साफ दांत नहीं होते हैं। अच्छा, मैं भी ऐसे करती हूँ। हाँ, मतलब हम बहुत तेजी से जो है ना कर रही होती है। हमें चाहिए कि हम टाइमर लगाएं 2 मिनट या 3 मिनट का, उसको सामने रख दें, ठीक है, बेशक सॉफ्ट ब्रशेज वाला ब्रश उठाएं और सर्कुलर मोशन में ब्रश करके उसको सॉल्व अवे करें। इस तरह बेशक हल्का हल्का करें, रगड़ने की जरूरत नहीं है। रगड़ेंगे एक तो गम वहाँ से हटेगा हमारा, ठीक है, रगड़ेंगे तो हमारे दांत का जो एंड वाला गम के पास हिस्सा है ना वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है हम उसको ऐसे से राउंड मोशन में करके इस तरह बाहर की तरफ, ये राउंड मोशन और बाहर, ठीक है, इस तरह अगर हम ब्रशिंग करेंगे तो हमारे दांतों पे कभी क्या। अच्छा, और ज्यादा कितने टाइम के लिए ब्रश करना चाहिए? 3 मिनट के लिए। हम तो 1 मिनट भी नहीं करते। हाँ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं करते। मैंने सुना था कि ज्यादा, एक दिन हमारी एक फ्रेंड ने बोला था कि तुम इतनी ज्यादा देर मत करो ना, बस थोड़ी देर करना होता है। तो इसलिए कहा था, अगर वो डेंटिस्ट है, मतलब हल्का हल्का अपने कन्ने राइट लेफ्ट ऊपर नीचे
सबसे पहले ब्रश के, ठीक है, उसको सर्कुलर मोशन में करके बाहर की तरफ करना, ठीक है, जो रगड़ते हैं उससे कोई फायदा नहीं, उससे नुकसान है हमारे दांतों का। और तुम लाइन जरिए सुबह हम लोग क्या करते हैं, ब्रश किया बैठ गया नाश्ता करने के लिए, पहले नाश्ता करेंगे फिर ब्रश करेंगे। अच्छा, यानी बिफोर खाना, क्योंकि नाइट में भी अक्सर लोग कहते हैं कि नाइट में अब खाना खाके के बाद फिर ब्रश करेंगे, ताकि मुंह में चीजें ना रहें, जो मुंह में चीजें रहती है वो तो जर्म्स होते हैं ना। अच्छा, और हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते पहले ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के बाद नाश्ता करते हैं। अब आप क्या कर रही हैं? पॉलिशिंग के लिए मैं पॉलिश मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम दांत पे लगा के जब ब्रश से रब करते हैं तो सारे स्टेन हट जाते हैं। One hour later. दिखाना फाइजा। Oh my God! नीट हो गई है। अभी चेहरे से ज्यादा दांत वाइट लग रही है। लेकिन जो इनका दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है वो देखना चाह रहे हैं कि वो कितना अंदर तक गया है। कल दांत कहते हैं विजडम टूथ, वो आपका नहीं निकला अभी, अगले दो दांत हैं, दोनों की फीलिंग्स हैं। जी स्केलिंग और पॉलिशिंग हो गई है। ई, अब कैसे लग रहे हैं मेरे दांत? बहुत बढ़िया मुन्ना। चाय और मीठा खा खा के अपने दांतों का किया हुआ था बेड़ा गर्क। मैंने भूखा तुम्हें रखा है कि तुम्हारा रोजा है, अब रोजे में मैं तुम्हें खिला दूँ कुछ? बात तो सही है। जब भी मैं आपके साथ जाती हूँ मेरा रोजा रास्ते में इफ्तार होता है। रास्ते में होता है? कब रास्ते में हुआ है? मैं रास्ते में हुआ है? हाँ। क्या बकवास कर रही है? जो तू सुन रही है बकवास कर दिया। हाँ। चुप चुप। ये ना जब ज्यादा गुस्से में होती है ना कहती है चुप। कैसे यार, एक दफा कहना, एक दफा कह, एक दफा यार, एक दफा कहना नहीं, एक दफा चुप। नहीं सही वाला, नहीं सही वाला, नहीं सही वाला। आप कुछ बोलो मुझे, मैं फिर झूठी है ये, प्रिटेंड करती है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। चलिए आप सबको मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने कहा कि आपका जो यहाँ पे पेन हो रहा है ना, उसमें कैविटी है, ठीक है, और आपके सिर्फ वहाँ कैविटी नहीं है, आपके मजीद 6 ऊपर 3 इधर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दांत, आपके 11 दांत खराब हैं, उनमें कैविटी है, उनकी फिलिंग होने वाली है। 11 दांतों की फिलिंग करते करते मेरा, मैंने कहा डॉक्टर बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। 11 दांतों की फिलिंग। डेंटिस्ट बड़े महंगे हैं भाई, बहुत महंगे होते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। इस्लामाबाद वाले तो ज्यादा महंगे हैं। इस्लामाबाद वाले ज्यादा महंगे हैं ना, ये तो करम अल्लाह का काम निकल आते हैं। अच्छा खैर, बात ये है कि अच्छा जी वो खराब है, उसके अलावा सुंदर वो क्या कह रहे थे कि मेरे दो विजडम टूथ ऊपर वाले निकले हैं और नीचे वाले दो रहते हैं। अरे जो दो निकले उसमें इतनी अकल है तो नीचे वाले निकल है तो क्या होगा, इतनी अकल कहाँ समेट होगी। ये मेरा पुत्र में दांत सीधा करनी है, ये बहुत होशियार बच्ची, बहुत होशियार हो गई है, इसका सीधा करना पड़ेगा। अच्छा, किसकी सोबत गेम बजाना पड़ेगा? किसकी सोबत में रहती हूँ ये बता। अच्छा चलो, किसकी सोबत डार की? फाइजा डार की। ये देखो देखो, बेस्टी ऐसी हो तो दोस्त ऐसी हो जाती है। मेरी सोबत में कहना चाह रही है मेरी, ये आज ना पॉइंट मार रही है, मीठे मीठे पॉइंट, मीठी मीठी झुकते मारना सीख की है ये है। यार वैसे बहुत अफसोस की बात है, अभी अभी स्कैनिंग करवा के आ रहे हैं और अभी ये जो है ना फिर सब मीठा खाएंगे, वहाँ जाके मीठे के जो है ना डॉक्टर ने बताया 11 दांत आपके खराब है, मीठे से मना किया है, मीठे से मना भी किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मीठा नहीं छोड़ सकती, मीठा तो खाएंगे आज। अच्छा बात नहीं है जी, अजान भी हो गई है और हम लोग आए हैं अभी इफ्तार करने, और जैसे ही ना मैं गाड़ी से उतरी हूँ ना, मुझे कहती है यार फाइजा इस्लामाबाद आ ही गए हैं तो वापसी पे ना टिम हॉर्टन से डोनट ले लेंगे। कौन कह रहा था ये? इसको टिम हॉर्टन के डोनट्स बहुत मजे के लगे हैं, मैं जब इस्लामाबाद आती हूँ मैं खाती हूँ, तो कहती है वापसी पे, मैंने कहा अच्छा अभी तो मुझे कोई कह रहा था कि अभी स्केलिंग कराई है, कहती है खैर है खा लेना और जाके माउथ वॉश कर लेना। हम लोग आए हैं हॉट एंड स्पाइसी और यहाँ पर है, हमने ऑर्डर किया प्लेटर फॉर 2 पर्सन, उसमें है ये चना चाट, निहारी, स्पैगेटीज, पकौड़े, समोसे, जामशेरी और ये मुर्ग पुलाव। यहाँ
और सुंदस का भूख के मारे इतना सा मुंह निकल आया है, सबके रोजे खुल गए। वो देखें पीछे आवाम खा रही है दबा दब। और हम उन्हें देख रहे हैं, अपना खाना आगे खा रहे हैं आवाम, और हम वेट कर रहे हैं कि कब अंधेरा हो और हम रोजा खोलें। चलें जी, चीयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इफ्तार कर ली है, और इफ्तार क्या किया ये भी देख लें। आप लोग बातें तो बड़ी करते हैं ना कि हर वक्त खाते रहते हैं, क्या खाते हैं ये देख लें। तीन नान थे जिसमें से एक भी पूरा नहीं खाया, ये दो पड़े मेरे, ये देखें चार वैसी की वैसी है, पकौड़े वैसे के वैसे हैं, सीख कबाब एक हाफ उसने खाया हाफ मैंने खाया, निहारी भी वैसी पड़ी हुई है, और ये देखें इतने से ये चावल खाए। ठीक है, खाया कुछ भी नहीं जाता जब तक आप वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं ना, खाना ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है तो फिर दिल नहीं करता, दिल भर जाता है। डिनर शिनर हो गया एंड नाउ इट्स टी टाइम। चीयर्स। डॉक्टर ने कहा है कि चाय भी थोड़ी कम करें और मीठा भी थोड़ा कम करें, पर हम क्या करें, चाय पिए बगैर तो देखिए जी, दोस्तों में भी सब कुछ जायज़ होता है, और दोस्त भी अपने जैसे बना लिए हैं ना, मुझे चाय पसंद है उसको भी चाय पसंद है, मुझे मीठा पसंद है उसको भी मीठा पसंद है, तो अब क्या करें। या तो होता है ना 19-20 फ़र्क होता है दोस्तों में, ठीक है, तो वो कहता है कि यार मैं नहीं पी रही हूँ तू भी ना पी, लेकिन यहाँ ये हिसाब नहीं है ना, यहाँ पे मैं कहती हूँ मैंने चाय पीनी है तो आगे से कहती है हाँ चल चाय मंगा, मैंने भी तो पीनी है, मैं कहती हूँ मैंने मीठा खाना है, कहती है हाँ चल तू मीठा मंगा, इसी बहाने मैं भी मीठा खा लूँगी, मतलब यहाँ ये होता है ना, यहाँ ये हिसाब है। चलें जी चाय पीते हैं, खैर है, छोटी सी ज़िंदगी है, स्केलिंग शिकेलिंग करा ली है, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी करा लिया करेंगे, अभी है ना अभी 11 दांत ख़राब हो रहे हैं ना, खाने के बगैर हम नहीं रह सकते, परहेज़ हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, और रिस्क से मुँह मैं नहीं फेर सकती हूँ, खाऊँगी सही, बाकी अल्लाह मालिक है। हम लोग ना इस्लामाबाद में थे ना, तो ईमान और ज़ारा की कॉल आई कि आप ही घर में ना पार्सल आया रैंचर्स वालों की तरफ से, तो मैंने कहा हाँ बेटा उन्होंने भेजे होंगे कोई बर्गर्स वगैरह, हमें लगा कोई बर्गर्स वगैरह कोई डील होगी उनकी, मैंने कहा बेटा ले लो उनसे ना ले लो, कहती हैं और वो जो स्टोरी है, मैंने कहा खैर है आप स्टोरी बना के मुझे दो मैं लगा दूंगी आप खा लो, कहती है ओके ठीक है आप ही, जैसे ही वो मुझे स्टोरी भेजी कहती है ये बर्गर्स है, उनका ना पूरा माइंड बन गया कि ये बर्गर्स है, कहती है ये बर्गर्स है, जब उन्होंने पार्सल खोला और देखा हाँ कहती है आप नहीं खाएंगी, नहीं नहीं आप आएंगी तो फिर साथ खाएंगे, मैंने कहा नहीं बेटा हम साथ नहीं खाएंगे, हम अगर लेट हुए फिर, मैंने कहा पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा, आप खा लें आप हमारा वेट ना करें, आप लोग खा लें कोई इशू नहीं है आप लोग खा लें, आगे से कहती है ठीक है आप ही। थोड़ी देर के बाद इस सड़ी हुई उनकी वीडियो आई कि ये बर्गर्स है, ये तो कप है और टी शर्ट्स है, ये खाएं। तो चलो अभी हम जाते हैं और देखते हैं कहाँ रही, ये देखें मोए मोए। हाँ ये देखें, ये आया है रैंचर्स वालों की तरफ से पार्सल, और यार इतनी ओबीडियंट बच्चियाँ, आप आएंगे तो फिर हम बर्गर खाएंगे, और जैसे ही घर घुसें तो फौरन अपना थोबड़ा साफ करें, मेकअप को रिमूव करें और क्लीन करें, ये बहुत अच्छी हैबिट है। अच्छा तो ये था आज का व्लॉग, और अपने दांतों का ख्याल रखें, ज़्यादा मीठा ना खाएं, चाय ना पिएं, नहीं तो मेरी तरह आपके तो नहीं खाया ना आज मीठा, आज मेरी स्केलिंग हुई थी तो इसने कहा कि आज थोड़े सब्र कर जा, आज ना खा, आगे 11 दांत ख़राब हो गए हैं, कल खा लेना, तो अब हम कल खाएंगे, चाय कम पिएं, और आपको भाषण जरूर दे रही हूँ लेकिन होना ए मेरे को भी नहीं है। वाह दीदी वाह दीदी, मैं भी खाणी जे मीठा, मैं रह नहीं सकती। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।